शर्माए, एक नजर दिखलाए, कभी कभी आंचल में चुभ जाए, मेरी नजर से तुम देखो तो प्यार नजर को आए। हाजिर हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ। और क्यों नेहा ने सारे सिंगर्स को यानी कि ज्यादातर सिंगर्स को अनफॉलो किया, इसके ऊपर नेहा कक्कर ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि नेहा कक्कर ने कई सारे सिंगर्स को जो है वो अनफॉलो कर दिए इंस्टाग्राम से। जी हाँ गाइस, गुरुंदावा हुए, रफ्तार हुए और कई सारे सिंगर्स जो है वो नेहा कक्कर ने अनफॉलो कर दिए। इसके ऊपर नेहा कक्कर ने भी कुछ कहा था तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जी हाँ गाइस, नेहा कक्कर का साफ साफ कहना है, आपसे मैं उन्हीं लोगों को फॉलो करूंगी जिनको मैं पर्सनली जानती हूं या फिर मैं उनके साथ काम कर चुकी हूं। यानी कि कई सारे सिंगर्स गुरुंदावा हुए जैसे कि और रफ्तार हुए, कई सारे सिंगर्स जो हैं वो उन्होंने अनफॉलो कर दिए, नेहा कक्कर ने अनफॉलो कर दिए। तो ये उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट बहुत पहले सामने आ चुका है कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली और जिनको मैं मतलब जो हैबिट में जो हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं तो उनको ही मैं फॉलो करना चाहूँगी। उन्होंने सॉरी भी बोला था जिनको उन्होंने अनफॉलो किया था। तो ये सामने स्टेटमेंट निकल कर आया तो आई थिंक ये कोई भी स्टेटमेंट नहीं हुआ। तो यार फॉलो करने में क्या जाता है, वो भी गुरुंदावा हुए या रफ्तार हुए, कोई भी बड़े बड़े सिंगर्स हुए, उनको फॉलो करने में क्या जाता है, उनको अनफॉलो करके क्या ही हो गया। आप लोग कमेंट करके बताओ क्या आप लोग कहना चाहोगे, क्योंकि इस बात पर आप लोग सबसे ज़्यादा सही डिसीजन ले सकते हो। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आखिर क्यों नेहा कक्कर ने इन सब सिंगर्स को जो है वो अनफॉलो कर दिया। जी हाँ गाइस, वो ये जब की बात है गुरुंदावा को अनफॉलो तब भी किया गया है क्योंकि गुरुंदावा के साथ नेहा कक्कर ने कई सारे सॉन्ग्स किए हैं, यानी कि कई सारे सॉन्ग्स में उन्होंने सिंगिंग भी करी है, तब भी जाकर नेहा कक्कर ने गुरुंदावा को अनफॉलो कर दिया। और ऐसे में गुरुंदावा को भी नेहा कक्कर को अनफॉलो करना पड़ा। तो गुरुंदावा अपनी जगह सही है लेकिन नेहा कक्कर ने कई सारे सिंगर्स को अनफॉलो किया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे कमेंट बताना मत भूलना। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात कर रहा हूँ गुरुंदावा के नए सॉन्ग के रिलेटेड, यानी कि गुरुंदावा के बर्थडे बहुत जल्दी क्लोज आता जा रहा है। जी हाँ गाइस, बहुत जल्दी गुरुंदावा का जो है बर्थडे वो सामने आता जा रहा है, यानी कि अब 10 दिन भी नहीं रह गए हैं, गुरुंदावा का बर्थडे हमें देखने को मिलने वाला है। जी हाँ गाइस, उस दिन अनाउंसमेंट होना कंफर्म हो सकता है, कुछ ना कुछ नई अनाउंसमेंट होता हुआ हमें नजर आ सकता है। जी हाँ गाइस, चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। बात कर रहा हूँ इक्का ने कुछ नया चीज लॉन्च करी, तो अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इक्का ने जो है अपनी टी शर्ट्स लॉन्च करी हैं जो कि एकदम नॉर्मल यानी कि नॉर्मल लुक में वो नजर आ रही हैं। तो आप लोग परचेस करना चाहोगे कि नहीं कमेंट बताना मत भूलना। वैसे रफ्तार ने भी इसके ऊपर चुटकी लेते हुए कुछ उनसे मजाक किया, उन्होंने लिखा कि मेरा साइज XL है कि उन्होंने। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। बात कर रहा हूं दिलजीत का नई एल्बम आज हमें देखने को मिलने वाली है, यानी कि इंट्रो आ जाने वाला है और दिलजीत की कई सारी कोलैबोरेशन हमें देखने को मिल सकती हैं। इक्का के साथ भी आई थिंक हमें कोलैबोरेशन देखने को मिल सकती है दिलजीत दोसांझ की। तो ये बहुत ज़्यादा कमाल की बात है क्योंकि देखो दिलजीत दोसांझ की कई सारे टाइम के बाद हमें सॉन्ग देखने को मिलने वाला है, कई टाइम के बाद एल्बम आ रही है तो कोलैबोरेशन होना कंफर्म है। और हर एल्बम में जो है वो कोलैबोरेशन ज़रूरी होता है क्योंकि एल्बम में भी तुम वही चीज़ करोगे तो ये बैलेंस बनाने के लिए जो है कोलैबोरेशन की जाती है। इसीलिए जो है वो इक्का के साथ भी कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलने वाली है। साथ ही में चलते हैं जस्माना की एल्बम आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो जस्माना की एल्बम के लिए। वैसे कई सारे गाने हैं, शकला का बूम बूम और ज़्यादातर गाने हमें देखने को मिलने वाले हैं। आज जो है फुल एल्बम रिलीज होने वाली है गीत MB3 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, शाम को 6 बजे आ रही है। और साथ ही में आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना मत भूलना। और टोनी कक्कर को हनी सिंह का मतलब हनी सिंह के साथ सॉन्ग कैसे मिला इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो आने वाली है, डिटेल्ड में वीडियो आपको कल मिलने वाली है। तो ऐसी लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करते रहो क्योंकि आपको यहाँ पर आने वाले सॉन्ग्स की अपडेट हमेशा मिलती है। रिस्पॉन्स यार बढ़ाओ, यार रिस्पॉन्स बढ़ाओ, 2000 के वेरी 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 क्लोज हैं, मोनेटाइजेशन के ही वेरी 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 क्लोज हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, वीडियो पूरी देखी हो तो थैंक यू।